मैं धर्मजीत कुमार, तो मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ प्लम्बिंग की बाथरूम में आई सीलन को कैसे ठीक करें। तो आइए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक इसको देखिए, एंड में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ठीक किया जाता है। तो जैसे कि आज का हमारा वीडियो बेस्ड है कि बाथरूम की सीलन को कैसे फिक्स करें, तो सबसे पहले देखना है कि सीलन कहाँ पे आ रही है, फिर इसको फाइंड आउट करना है इसका कॉज कि ये सीलन जब आ रही है तो ये ऊपर से या इसका लीकेज कहाँ से हो रहा है, तो उस लीकेज को फाइंड आउट करके उसको फिक्स करेंगे और प्रॉब्लम को देखेंगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हम लोग नीचे से देखे सीलन का, तो हम फर्स्ट फ्लोर ऊपर छत पे आए और देखे कि ये वॉशबेसन लगा हुआ है। वॉशबेसन के नीचे में जो नैनी ट्रैप है, यहाँ से हमारी सीलन जा रही है। आप देख सकते हैं जो पहले मसाला जो लगा हुआ था वो साइड साइड से मसाला छोड़ चुका है और हम यहाँ से इसको घुटाई करेंगे। घुटाई करने के लिए क्या लेना होगा आपको, पीओपी आधा पैकेट और वाइट सीमेंट आधा पैकेट। आप पहले यहां से ट्राई करेंगे, यहां से 100% है कि आपकी पानी वहां से रुक जाएगी और सीलन रुक जाएगा। ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, पाइप पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका सीलन रुक जाएगी। हाँ, तो आप देखिए पहले हम इस साइड साइड को इसको अच्छे से सफाई करेंगे जो मसाला लगा हुआ है, फिर उसकी बाद सफाई करने के बाद फिर जाके सीमेंट को अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसके अंदर लगाएंगे।